छुटा दे मेरे पास एक लगा हुआ अधिक काकू काकू चमड़ा को पहना भाई भी देखे थोड़ा उनके लिए बारिश में निकल रहा है खेती सब्जी वेजिटेबल्स उठाने जा रहा है अभी तो वहाँ में यंका होगा जो एक तीखा लाइक पत्ता होता है यंका एंड पाने जो और ये पम्पकिन का लीफ होता है यही लेने जा रहा है अभी देखते हैं एक छोटा सा वेजिटेबल्स कोलुंग बनाया है कोलुंग मतलब जो हम लोग का वेजिटेबल्स के लिए छोटा सा गार्डन बनाता है ट्राइबल एरिया में उसको कोलुंग बोलता है तो इसलिए तब वो कोलुंग में हम लोग को कुछ वेजिटेबल्स बनाया है रखा वेजिटेबल्स लगाया है उसको लेने जा रहा है लेते हैं देखते हैं जाके मिलता है कि नहीं कितना सारा होगा सब्जी आपको दिखाएगा देखते रहिए ट्राइबल लाइव अमोस टाइम व्लॉग लाइक कमेंट शेयर फॉलो जरूर कर दीजिए थैंक यू वेरी मच ये पहुंच गया है हमारा खेती अभी आपको दिखाएगा खेती कैसा है देखिए ये सब पम्पकिन का लीफ है ये सब जितना दिखाई दे रहा है ये सब पम्पकिन का लीफ है ऊपर तो ये थोड़ा पुराना हो गया है तो अभी यहाँ से पम्पकिन का लीफ एंड कुछ वेजिटेबल्स आइटम्स छोड़ेगा अभी यहाँ से पम्पकिन तो नहीं निकला है अभी तक पम्पकिन का लीफ तो बहुत सारा है और ये बरसात नहीं रुक रहा रुकने का नाम ही नहीं इतना बारिश हो रहा है चलो निकलते हैं देखते हैं आगे चलो ये सब देखिए अदरक और ये मिर्चा देखिए मिर्चा लग रहा छोटा छोटा देखिए ये सब मिर्चा का पेड़ है और ये अदरक का पेड़ है ये और ये यंका वेजिटेबल्स है ये देखिए पूरा जो दिखाई दे रहा है इधर पूरा अदरक और यंका है लाई पत्ता भी है इधर ठीक है बहुत सारा वैराइटीज ऑफ वेजिटेबल्स आपको इधर देखने को मिलेगा नीचे पूरा खेती देखिए इधर पूरा वेजिटेबल्स और पूरा वेजिटेबल्स कोई बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रहा ये देखिए ये है मेबिया देखिए ये मेवे चौटाला मेवा चौटाला मेवा ककुम्बर और ये सेम टेस्ट का होता है ऑलमोस्ट बढ़िया हम लोग इसको मेवा बोलता है दो ककुम्बर होता है उसको हम लोग मैकुंग बोलते हैं तो ये तो में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है बड़ा लगा निकला उधर एक छोटा वाला है छोटा छोटा लगा हुआ अभी तो बड़ा नहीं है ऊपर से मर रहा है ये देखिए इधर एक लगा हुआ अधिक देखिए ये देखिए ये एक लगा हुआ इसको बोलते हैं मेवा ये टेस्टी होता है लो मेरा नन्हे और इधर एक है इधर एक देखिए इधर एक लगा हुआ है देखिए ये है मेबला तो इधर एक छोटा सा लगा हुआ इसको रहने दो ये छोटा है तो बड़ा वाला को लेके देख के उठाया अभी ये देख सकते हो ये है मेबा देखिए साइड में इतना बड़ा बड़ा और इधर भी देखिए पूरा बड़ा बड़ा तो ये बड़ा हो गया तो इसको बीजन के लिए रखा है जो नेक्स्ट में खेती करेगा उसमें यूज करेंगे और यहाँ एक छोटा सा नन्ना मुन्ना देखिए ये है मेबिया
tasty. Na pun mau dota. Kaku kaku, es camla kepek na. Meba, acha aku beri me watermelon aku pinjau na. Telling meba. ये मेवा है और वाटरमेलन का हम लोग का जो लोकल भाषा में हम लोग उसको टैनी मेवा बोलते हैं. दैट मीन्स ये भी वाटरमेलन का इसमें आता है, कैटेगरी में आता है. मैकुंग हो गया वो कुक्यूम्बर, तो कुक्यूम्बर जो हम लोग का भाषा में या जो लोकल मिलता है उसको हम लोग कुक्यूम्बर बोलते हैं, मैकुंग बोलते हैं. तो ये स्लाइटली ये डिफरेंस है. एकदम ऑर्गेनिक है, इसमें कोई मिलावट नहीं है. जंगल में खेती किया है तो एकदम ऑर्गेनिक है, उसमें कोई पेस्टिसाइड केमिकल फर्टिलाइजर यूज़ नहीं किया है. तो ये ऐसे भी खा सकते हैं, बिना धोए भी आप खा सकते हैं इसको. तो ये बेनिफिट है इसका. तो देखिए खेती इतना ऊपर जितना देख रहे हो ये सब वेजिटेबल्स है. आपको लग रहा होगा कि ये सब यूजलेस लपट्टा है या कुछ ग्रासेस है, नहीं ये सब वेजिटेबल्स है. जितना देख रहे पपीता का पेड़ भी लगा हुआ है, देखिए इतना छोटा पपीता का पेड़ लगा हुआ है, बट इसमें पूरा फ्लावर आ चुका है. दैट मीन्स ये अभी फल देने वाला है. देखते रहे हमोस व्लॉग, तब तक मैं थोड़ा सा इसको खा लूँगा. इस तरह से वेजिटेबल्स को इस तरह से लेना है. हमें वेजिटेबल बहुत सारे हैं. ये यंकिया, ये है यंकिया. ये थोड़ा तीता पत्ता होता है, ये अलग ही वैरायटी का होता है. हमारे ट्रैवल में मिलता है, शायद लोकल मार्केट में मिलेगा और अदरवाइज इसका बाहर कहीं नहीं मिलेगा. अरुणाचल स्टेट से बाहर आई थिंक नहीं मिलेगा ये है. अरुणाचल में मिलता है जो यंख्या बोलता है, तीता पत्ता होता है उसका फार्म है. इसका छोटा सा वेजिटेबल्स गार्डन बनाया है, केती बनाया है, पोलुंग बोलता है इसको. तो उसमें इस तरह से इसको लेना है. तो यहाँ भी है, ये चाकू ले लिया, चाकू से इसको काट देना है इस तरह से, जड़ से काट देना है इसको. देखिए जड़ से काट के ले लेना है, लेकिन रूट को रहने देना है. नेक्स्ट में फिर वहाँ से पट्टा निकलेगा, ब्रांचेस निकलेगा, फिर उसको विंटर सीजन में काने का काम आता है. तो ये है यंका गेंग यंक्या. तो इस तरह से इसका प्लकिंग वगैरह करता है. तो इस तरह से इसको लिया जाता है इधर से. तो इस तरह से वेजिटेबल्स अभी उठाएगा, देखते रहिए. ये देखिए ये मशरूम्स, छोटा छोटा मशरूम्स. ये मशरूम्स का नाम क्या था मालूम है? नहीं ये ताइंग का, ये इसका नाम इंडियन इसे पिचिप्रिक ताइंग ऐसा कुछ है. ये छोटा ला देखिए ये मशरूम्स, ये एडिबल्स वाला मशरूम्स है जो खेती ये करने के बाद इस तरह से निकलता है. देखिए क्या छोटा सा, हाँ इसे ताइंग, इसे ताइंग इसका नाम इसे ताइंग है. ये छोटा साइज का होता है, इसका कच्चा भी खा सकते हो. इसे ताइंग ये है, इसे ताइंग मशरूम्स है. तो हमारा ये इसमें ट्रैवल एरिया में इसको कच्चा भी खाता है और यूजली पका के खाता है, बट आप कच्चा भी खा सकते हो. इसे टाइम बोलता है. ठीक है इतना सारा निकला है इधर. ये सब इसे टाइम है. तो इसे टाइम को इस तरह से आप कच्चा भी खा सकते हो. ये केती जहाँ केती करता है उस जगह में एरिया में निकलता है आग जलाने के बाद. जो जूम कल्टीवेशन होता है उसमें आग जलाने के बाद इस तरह से गच्ची में निकलता है इसे टाइम. बड़ा टेस्टी होता है, तो आप भी खा सकते हो इस तरह से. ये है तवे, तवे इसको तवे को
ये भी एक वेजिटेबल्स है, पूरा नन्हे डोरों हो गया, इसको बग पूरा खा दिया इसका पट्टा। तभी ये फिश के साथ बड़ा टेस्टी होता है। ये भी एक वेजिटेबल्स है, इसको भी हम लोग लगाते हैं। तो ये देखिए, ये तभी तभी संगने तवे तवे तवे, ये तभी भी वेजिटेबल्स है जो उधर दिखाई दे रहा है, गच्ची बहुत सारा लगा के रखा है, इसको भी लगा के हम लोग खाते हैं। ये भी वेजिटेबल्स है, फिश के साथ बहुत मैच होता है। देखिए पम्पकिन निकलने से इस तरह से, देखिए इतना बड़ा साइज का होता है। तो यहाँ से एक तो अभी तोड़ के ले जाएगा। देखिए फ्रेश पम्पकिन अभी छोटा छोटा है, ये बहुत बड़ा होता है साइज में जब बड़ा हो जाता है, अभी तक ये छोटा ही है। तो ये इसका ही जो पम्पकिन का लीफ है उसी के साथ बॉल के खाने बड़ा टेस्टी होता है। देखिए ये हो गया, देखिए ये है पम्पकिन लीफ, पम्पकिन लीफ का हॉट ऊपर पर्सन इस तरह का चीज। देखिए इसको तोड़ना है और इसको तोड़ना, इतना बड़ा बड़ा है। वाह, एक पम्पकिन छोटा ला निकला है। देखिए मेरे को आरंग को ना तो लगा को हिलायो, सिपों को लगा पापा। देखिए ये छोटे भाई भी देखे तोड़ रहे पम्पकिन लीफ। हाँ बताओ तो, देखिए अलग अलग पत्ता को तपा लगो, ये जितना देख रहा है जैसे। हाँ नहीं पम्पकिन तो अभी तो नहीं निकला है, बट ये जितना देख रहे हो ये सब पम्पकिन लीफ है, जितना देख रहे हो सब पम्पकिन लीफ। अभी तो पम्पकिन तो निकला नहीं है, इसको लीफ को तोड़ना पड़ेगा। किस तरह से होता है केटी लोकल ट्रैवल एरिया में पम्पकिन लीफ को देखिए, ये पम्पकिन लीफ तो इस तरह से होता है, बोरा टेस्टी। हाँ देखिए वहाँ में छोटा सा निकला है, निकलने से बड़ा वाला दिखाई देने से इसको उठा के ले जाइए, निकला नहीं बड़ा वाला, अभी तो निकला नहीं है। और बारिश के कारण पूरा बाल बिक गया है। तो ये था पम्पकिन लीफ, तो बहुत सारा है, अभी फिर इसको थोड़ के यहाँ से हम लोग निकलेगा सब्जी। लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दीजिए अमूज टाइम ब्लॉग को, और इस तरह इंटरेस्टिंग और ट्रैवल वीडियो मैं आपके सामने लाते रहूँगा। फिशिंग हंटिंग के अलावा मेरा ब्लॉगिंग भी मैं आप इस चैनल में डालता हूँ, तो उसको भी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और शेयर कर देना बाकी ग्रुप में, जितना हो सकेगा फ्रेंड रिलेटिव्स को शेयर कर दो। तो ये था आज का वेजिटेबल्स इधर पोलोंग विजिट का ब्लॉग। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखते रहिए अमूसा ब्लॉग। थैंक यू वेरी मच। अभी हम लोग पहुंचने वाला है, देखिए नीचे देखिए हम लोग का बस्ती, वहाँ एक ब्रिज दिखाई दे रहा है, ये है बाना ब्रिज। तो नीचे बाना ब्रिज है, अभी हम लोग निकल रहे हैं। देखते रहे अमूसा ब्लॉग, लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू वेरी मच।